सिवनी मालवा नगर पालिका के द्वारा वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया, जिसमें विधायक प्रेमशंकर वर्मा, नपा अध्यक्ष रितेश जैन एवं परिषद की उपस्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी राकेश मिश्रा एवं लेखापाल संजय गोयल के द्वारा 108 करोड़ 27 लाख 71 हजार 500 रुपए का बजट पेश किया गया एवं शहर के नागरिकों पर अतिरिक्त किसी प्रकार का भार नहीं डाला गया। इस बजट में जनता के लिए राहत दी गई है। बजट में डिलक्स सार्वजनिक शौचालय निर्माण 1 करोड़ रुपए, नाली निर्माण 3 करोड़ रुपए, सब्जी फल मंडी निर्माण 1.5 करोड़ रुपए, गौशाला निर्माण 2 करोड़ रुपए, स्विमिंग पूल के सामने भवन निर्माण 50 लाख रुपए, फायर ब्रिगेड 35 लाख रुपए, ट्रांसपोर्ट नगर 30 लाख रुपए, पुराने थाने के पास पार्किंग दुकान निर्माण 2 करोड़ रुपए, रेबा कॉम्प्लेक्स के सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 2 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री अधोसंरचना 2 फेज 85 लाख रुपए, मुख्यमंत्री अधोसंरचना 3 फेज 65 लाख रुपए, अमृत 2 योजना 16 करोड़ 30 लाख रुपए, कायाकल्प योजना 1 करोड़ 88 लाख रुपए, 2 स्वच्छ भारत मिशन 7 करोड़ 22 लाख रुपए एवं अन्य विकास कार्य के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। नपा अध्यक्ष रितेश जैन ने शहर की जनता को नगर पालिका बजट की सौगात देते हुए ये भी आश्वस्त किया कि नगर के नागरिकों पर अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भार नहीं डाला गया है। साथ ही जनता के मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए ये बजट लाया गया है, जिसमें शहर में अनेकों विकास कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर शहर के जन प्रतिनिधि सहित नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। किस प्रकार से देख रहे हैं इस बार के बजट को आपने का? बढ़िया बजट है, अच्छा बजट है, नगर के विकास का बजट है और जो भी छोटी मोटी समस्या है उनको दूर करने के लिए बजट में प्रावधान किया है। बढ़िया बढ़िया बजट है। नगर से किस प्रकार से लोगों के लिए, जनता के लिए रहेगा? जनता की सुविधा के लिए सब सारी बातें हैं। जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड बनाने का काम करेंगे, जहाँ नाली नहीं है वहाँ नाली बनाने का काम करेंगे, जहाँ पेयजल नहीं पहुँच पा रहा है अमृत 2 योजना के अंतर्गत वहाँ नर्मदा जी का जल पहुँचाने का काम किया जाएगा। और भी जो हमारे प्रधानमंत्री आवास के मकान बन के तैयार होने वाले हैं, बिल्कुल लगभग पूर्णता की ओर है, वो ऐसे आवासहीन लोगों को वो मकान वितरित किए जाएंगे। कि हम सारे काम करने का प्रयास कर रहे हैं, विकास के काम में कहीं कोई कटौती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने नगर पालिका की हमारे नगर की जनता के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं आरोपित नहीं किया है, बिल्कुल कहीं कुछ। जनता को इस मामले में राहत है।